दोस्तों आप सभी को नमस्कार सबसे पहले। और दोस्तों आज हमारे पास TVS गाड़ी है जो कि स्टार सिटी है। और दोस्तों इसका मैं क्लच प्लेट आपको डाल के दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इससे क्लच के सारे नट खोल लेते हैं और जो है किक जो है निकाल लेते हैं। इस पर जैसे कि हमने किक निकाल ली और क्लच के सारे नट इसके लूज़ करके हमने बाहर निकाल दिए हैं। और इस तरीके से दोस्तों आपका क्लच जो है बड़ी आसानी से खुल जाएगा। और क्लच खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हमने जैसे क्लच खोल लिया है और आगे जो इसका वेट है इसके जो तीनों नट है वो लूज़ कर देनी है। ये बड़ी प्यार से खुल जाएंगे। इसे प्यार से नहीं खुलते दोस्तों, इम्पैक्ट नाम का टूल आता है इम्पैक्ट, दोस्तों उससे चोट मारेंगे जो बड़ी आसानी से आपका ये नट खुल जाएंगे। जैसा कि हमने इम्पैक्ट चला लिया है इन पर, अब इम्पैक्ट चलाने के बाद दोस्तों ये नट बड़ी प्यार से खुल जाएंगे। तीनों नट खोलने का दोस्तों इसके अंदर भी एक नट होता है और जैसे कि ये देखिए इसको भी हम खोल लेते हैं। ये वाला नट जो दोस्तों जल्दी खुलता नहीं है, अगर नहीं खुलता है दोस्तों अपना नया टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि दोस्तों खुल चुका है। इसके खुलने के बाद दोस्तों बड़ी प्यार से बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 10 नंबर के जो नट दिख रहे हैं वो आपको खोल लेने हैं। बड़ी प्यार से 10 नंबर के नट आपके खुल जाएंगे। तो जैसा कि हमने 10 नंबर के नट खोल लिए हैं और 10 नंबर के नट खोलने के बाद इनको इसकी जो प्लेट है इसको बाहर निकाल लेते हैं और जो अंदर स्प्रिंग लगी है वो भी बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अब ये लगने के बाद दोस्तों इसको इसके अंदर भी एक नट है उसको भी खोल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक कूलर लगाना पड़ेगा, इस तरह का कूलर लगा लेते हैं। और एक गोटी होगी जिससे हमने आगे वाला खोला था नट, उसी तरीके से पीछे वाला भी हमें खोल लेना है। तो जैसा कि दोस्तों ये भी खुल चुकी है और इसके खुलने के बाद ये जो है बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि ये नट भी दोस्तों आपका खुल चुका है, देखिए ये भी खुल चुका है, अभी हल्का सा और टाइट है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों पूरा निकल चुका है, इसके निकलने के बाद क्या करना है हमें, हाफ सेंटर निकाल लेने और इसका कटोरा भी दोस्तों निकाल लेना है। तो इसका दोस्तों कटोरा भी रिपेयर करवाने वाले हैं क्योंकि कटोरे में भी इसकी दिक्कत आ रही है। और जैसा कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, जैसा कि हमने निकाल लिया है, अब ये देखिए हमारा क्लच का कटोरा है इसका। और ये देखिए ये दोस्तों आवाज़ भी कर रहा है और साथ में क्या है इसमें प्ले भी ज़्यादा है, जो कटोरे में प्ले होती है दोस्तों वो हद से ज़्यादा है। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखें, जब भी आप क्लच प्लेट वगैरह कराएं तो कटोरे को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसे ही कटोरे डालेंगे दोस्तों आपके जो है क्लच प्लेट और दोबारा ख़त्म हो सकती है और दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी वीडियो देखने और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहीं तक की, धन्यवाद दोस्तों।